नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, CBSE ने CTET जुलाई 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही CBSE CTET की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा, CTET.NIC.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट पर ही विजिट करना है, इसके अलावा और किसी भी वेबसाइट पर आपको टेस्ट नहीं करना है। इसके साथ ही अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 मई इसमें रखी गई है। 26 मई तक का जो वक्त है आपके पास है, और एक दिन बाद यानी कि 27 मई तक आप इसका फीस का भुगतान भी कर सकते हैं। साथ ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 27 तारीख से शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 26 मई है। 27 तक आप भुगतान कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, CTET.NIC.in, सबसे पहले तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, और होम पेज पर CTET जुलाई 2023 का एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नजर आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। वहीं से सारा जो फॉर्मेलिटी है वो आपको पूरी करनी होगी। एक नया पेज जब खुलेगा इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, तो वहाँ पर उम्मीदवारों को अपना सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर दर्ज करनी होंगी, और जब रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन शुल्क का भुगतान आपको करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे फिर आपको जो अप्लाई करने के लिए फॉर्म है उसको फिल करना होगा, और जो आपकी फ़ीस है उसका भुगतान भी आपको वहीं से करने का ऑप्शन आएगा। साथ ही सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कन्फर्मेशन जो पेज होगा उसको आप डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि आगे आपके अगर इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके काम भी आ जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है, और CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको बताई इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।